किस तरीके अपवर्तन की व्याख्या हम लोग करेंगे हाइगेंस थ्योरी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लोग ने इंटरफेस जेड जेड टेस्ट लिया हुआ है, तो ये इंटरफेस है जेड जेड टेस्ट। ठीक है, जिसके ऊपर जो माध्यम है वो कुछ और है, नीचे जो माध्यम है वो कुछ और है। यहां हमने मान लिया मीडियम वन है और यहां मान ले रहे हैं मीडियम टू। ठीक है, ये जो मीडियम वन है यहां पे हम लोग ने लाइट की जो स्पीड है वो वी वन मान ली और यहां जो स्पीड है वो वी टू मान ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक वेव फ्रंट आकर के टकराता है, तो वेव फ्रंट ये हो गया वेव फ्रंट के रेस की जो परपेंडिकुलर है वो ऐसे आके टकराता है, इसका नेम हम लोगों ने भी लिया ए ए डैश। तो ये जो ए ए डैश है वो आपतित तरंगार्थ हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब हमने ये माना है कि जो ए डैश से रे आगे बढ़ी हुई है वो टी टाइम में ए बी तक पहुंच जाती है। ठीक है, ए डैश वेव फ्रंट था, जो ए डैश से वेव चली है वो बी पे पहुंचती है और इसको पहुंचने में टाइम लगता है टी। ठीक है, जितनी देर में ए डैश से बी पे वो पहुंची है उतनी देर में यहां से ए से एक सेकेंडरी वेवलेट जो है ओरिजिनेट होती है, सेकेंडरी वेवलेट चलती है। ठीक है, तो यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट है वो चलती है और वो पहुंच जाती है मान लीजिए यहां बी डैश पे पहुंचा। तो जितनी देर में ए डैश से रे बी तक पहुंची है उतनी देर में यहां ए डैश ए से जो है सेकेंडरी वेवलेट बी डैश तक पहुंच जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे पूछे ए डैश बी की वैल्यू कितनी होगी, ए डैश बी की वैल्यू कितनी, तो यहां पे जो स्पीड थी लाइट की वो वी वन थी और टाइम टी लगा थी हो जाएगी वी वन ही। उसी तरीके का हम लोग ए बी डैश की बात करें, ए बी डैश यहां स्पीड थी वी टू हो जाएगी वी टू इन। अब अगर हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की बात करें, अपवर्तित तरंगदैर्ध्य की बात करें, तो हम लोग क्या करते वी टू टी के बराबर रेडियस लेकर के एक आर्क लगाते और यहां बी से इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर लेते। ये जो टेंजेंट आएगी, ये जो टेंजेंट आएगी याद रखिएगा वही हो जाएगी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, यानी ये जो होगा बी बी डैश ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट आपतित तरंगदैर्ध्य, ये हो गया अपवर्तित तरंगदैर्ध्य यानी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये एंगल 90 पर ये वाला नंबर जो है 90 इस तरह। ठीक है, अगर ये पूरा स्पीड बढ़ा दो तो ये 90 होगा, स्पेस बढ़ा दो ये 90 होगा और इधर वाला ये। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देख सकते हैं अगर आप बिल्कुल ध्यान दो तो ये हो गए इंसिडेंट रे, ये हो गए रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे। ठीक है, अब एंगल्स को जरा देख लें, तो ये वाला एंगल होगा आई, तो ये वाला होगा 90 माइनस आई, तो ये वाला हो जाएगा आई। ठीक है, ये आई ये 90 माइनस आई और ये पूरा 90 तो हो जाएगा आई। ठीक है, तो इस तरीके देखिए ये वाला एंगल होगा आर, तो ये होगा 90 माइनस आर और ये 90 माइनस आर तो हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए ये आर ये 90 माइनस आर ये 90 तो हो जाएगा। ठीक, अब ये 90 तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर और फिर ये 90 तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग लॉस को प्रूव करने जा रहे हैं, तो पहला लॉ तो बिल्कुल क्लियर है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ने जो हमने नॉर्मल बनाया वो तीनों एक ही प्लेन है, तो पहला लॉ तो क्लियर हो गया ऑब्वियस है फिगर से। अब सेकेंड लॉ जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं हम लोग उसको प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके हमें ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। चलिए अब वाला लॉ देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे
ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन आई का फॉर्मूला लगाएं, तो देखिए साइन आई का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ए डैश बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो जाएगा ए बी। फिर हम लोग निकालेंगे साइन आर, साइन आर के लिए आपको ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी बी डैश, साइन आर लगाएंगे तो आएगा ए बी डैश अपॉन में आएगा हाइपोटेन्यूज यानी ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं, तो वैल्यूज को पुट करते हैं, देखिए ए डैश बी, ए डैश बी की वैल्यू है बी वन टी रख देते, तो साइन आई इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी की वैल्यू में बी वन इंटू टी अपॉन ए बी, और साइन आर, साइन आर की वैल्यू में ए बी डैश यानी बी टू टी अपॉन ए। हमको निकालना है स्क्वायर का, जो होता था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जरा साइन आई अपॉन साइन आर निकाल लो, तो जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आ जाएगा बी वन, तो देख सकते हैं v1 v2 तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी, तो ये एक नया कांस्टेंट आ गया और यही था स्नेल्स लॉ। ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ कि साइन आई कौन साइन आर एक पर्टिकुलर कलर की लाइट रे के लिए और एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम्स के लिए कांस्टेंट रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज अच्छे समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं जो हमने पहले चैप्टर से पढ़ रखा है और जो अभी पढ़ा उसके हिसाब से हम लोग स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहले चैप्टर से हम लोग ने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता था वन एंड टू, वन एंड टू की अगर बात करिए तो होता है एन टू अपॉन एन वन, और आज हम लोग ने इसकी वैल्यू निकाल लिया तो वो वैल्यू इक्वल टू आई है वी वन अपॉन। अगर आप इसमें वेव पढ़ी होगी नाइन की तो वी इक्वल टू एन लैम्डा होता था, एन होती थी फ्रीक्वेंसी के लिए, हो जाएगा एन से एन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है रिफ्रैक्शन में, तो ए इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा। तो इस तरीके हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग चेंज वेवलेंथ निकाल सकते हैं, चेंज स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसके पहले वाले मीडियम के करेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू दी जाए। जैसे मान लीजिए कोई रे है वो एयर से वाटर में जा रही है, एयर से वाटर के लिए अगर हम लोग यानी फॉर्मूले लगा दें तो वी वन तो एयर में जो स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली सी यानी एयर टू में स्पीड के बराबर होती है, वी टू यानी वाटर में स्पीड इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा वन यानी एयर में वेवलेंथ अपॉन लैम्डा टू यानी वाटर में। सी और बी डब्ल्यू आपको दिया जाएगा वो रखेंगे तो हम लोग या इसी में वो आपको एन दे देगा, ये वैल्यू एन डब्ल्यू यानी वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर भी होगी, तो यहाँ से भी हम लोग लैम्डा डब्ल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा लैम्डा ए अपॉन एन। ठीक है ना, यहाँ एन डब्ल्यू आप लिखेंगे, लैम्डा डब्ल्यू निकालना है तो इधर आएगा एन डब्ल्यू कहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके हम लोग जब एयर से या कोई भी वो मीडियम हो सकता है तो उसमें कैसे वेवलेंथ वेरी करेगी, क्या स्पीड में चेंजेस होंगे, वो सब कुछ हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, होप आपको ये चीज अच्छे समझ आ गई। थैंक यू।